यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में खतरनाक आग लगने से वहां पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। करीब 5 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसे ठीक करने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं। इस बीच यूक्रेन ने तुर्की से मदद की गुहार लगाई है और उससे ब्लैक सी के जरिए हाई पावर जनरेटर भेजने को कहा है।